नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आपका हॉस्पिटल चैनल। मैं करण स्वागत करता हूं आपका फिर से एक बार अपने नए वीडियो में। आज लेकर आए हम सेक्टर 3 के लोकेशन पे शंसरगढ़ अपार्टमेंट में। 3 बेडरूम का न्यूली फर्निश्ड फ्लैट होने वाला है, फर्स्ट फ्लोर का फ्लैट हो जाता है दोस्तों। मैं टॉक अबाउट द सोसाइटी। सोसाइटी में आपको 134 के आसपास फ्लैट्स मिलते हैं। पार्किंग स्पेस में आपको बेसमेंट स्टिल्ट ओपन पार्किंग स्पेस मिलता है। सोसाइटी का मेंटेनेंस अराउंड 2700 रुपीज़ के आसपास पड़ता है। सोसाइटी का में आपको प्लेइंग स्पेस मिलता है बच्चों के लिए, साथ साथ में पार्क स्पेस मिलता है। फ्रंट में ही सोसाइटी में जैसे आप एंटर करेंगे एक अच्छा बड़े पार्क की स्पेस आपको वहाँ पे मिल जाता है। सोसाइटी के बैक साइड में ही ग्रीडी का मेंटेन पार्क है जो कि आप एक्सेस कर सकते हैं विद द बैक गेट ऑफ द सोसाइटी। एंड अगर बात करते हैं लोकेशन की और सोसाइटी की, तो आप सेक्टर 3 के लोकेशन पे हैं जहाँ से आपको सेक्टर 12 का आशीर्वाद चौक पास पड़ता है। वहाँ पे आपको हर चीज़ मिल जाती है जो भी आपको नेसेसरी चाहिए होती है। सेक्टर 12 का मेट्रो यहाँ से बहुत पास पड़ता है। ये हो जाता है सोसाइटी का लोकेशन। नाउ वी टॉक टू दिस फ्लैट, आइए स्टार्ट करते हैं। ये हो जाता है दोस्तों लॉबी स्पेस एरिया। उधर 2 लिफ्ट केस मिलते हैं आपको। इस तरीके से लॉबीज जाती हैं एंड उसके बाद 2 फ्लैट इस लॉबी में आते हैं। फ्लैट नंबर है 103, फर्स्ट फ्लोर का फ्लैट हो जाता है। यू कैन काउंट योर नंबर टोटल क्या बनता है अकॉर्डिंग टू योर वास्तुस। अब जैसे आप एंटर करेंगे यहाँ पर इस तरीके का कुछ काम किया गया है, वुडन वर्क। डोर क्वालिटी बहुत अच्छी है। साथ साथ में यहाँ पर आपको मिलता है एक डिजिटल लॉकर स्पेस। अभी थोड़ा सा फ्लैट में काम रहता है, वो काम चल रहा है। जैसे आप एंटर करेंगे दैट्स योर आई शेप लिविंग डाइनिंग स्पेस एरिया। इसमें आपको अगर मैं लेआउट समझा देता हूँ, ये आपका लिविंग डाइनिंग स्पेस मिलता है। सामने किचन है, 1 बेडरूम इधर, पाउडर रूम एरिया 2 बेडरूम इधर मिलते हैं और एक बालकनी मिलती है उस तरफ आपको। तो ये हो जाता है आपका लिविंग डाइनिंग स्पेस एरिया आई शेप में। ऊपर आपको फॉल सीलिंग का काम मिलता है, चैनले का बहुत बड़ा काम मिल जाता है, सारे तरीके से बहुत अच्छा काम मिलता है। यहाँ पर आप आएंगे तो देखेंगे आपको मिलती है एक बड़ी बालकनी स्पेस जो कि कुछ इस तरीके से व्यू देती है। एंड देन फर्स्ट फ्लोर है तो सामने पूरा ग्रीन है। ये पीछे पार्क स्पेस है आपका, इसको आप एक्सेस कर सकते हैं विद द बैक गेट ऑफ सोसाइटी। सोसाइटी के जस्ट पीछे ही पार्क है तो अच्छा बड़ा मेंटेन पार्क है। इधर आपको देखेंगे स्टोरेज मिल जाता है, ऊपर भी इसमें आपको इस तरीके का स्टोरेज मिल जाता है। सामने आपका आएगा बहुत ही अच्छा मॉड्यूलर किचन स्पेस, इसमें आपको हर चीज मिलती है। इस तरीके का साइज है किचन स्पेस का, ओपन स्टाइल किचन स्पेस मिलता है। ओवरहेड आपको कैबिनेट्स बहुत सारे मिलते हैं, नीचे आपको काफी कैबिनेट्स मिल जाते हैं। ऑन टॉप प्लेटफॉर्म आपको नैनो पत्थर का मिलता है। इस तरफ आपको सिंक स्पेस आता है विच इज़ अ मॉड्यूलर सिंक स्पेस, इसमें बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं आपके। ये आता है आपका पेंट्री स्पेस एरिया। सामने होब चिमनी स्पेस एंड वेंटिलेशन स्पेस आता है। थोड़ा बहुत मिरर स्पेस, मिरर वर्क का भी काम किया गया है और इस तरीके से प्रॉपर काम इस किचन में आपको मिलने वाला है। बहुत अच्छा साइज मिलता है, टाइलिंग का बहुत अच्छा काम किया गया है। अब हम बात करते हैं इधर आते हैं, यहाँ पे मिलता है आपको अपना पाउडर रूम एरिया जो कि आपको कुछ इस तरीके के साइज में मिल जाता है। दैट्स योर फर्स्ट बेडरूम एरिया विच यू कैन कन्वर्ट इन टू द चिल्ड्रंस रूम एरिया और योर मे बी यू कैन कन्वर्ट इन टू गेस्ट बेडरूम एरिया। ये हो जाता है आपको पहला बेडरूम एरिया एंड वॉशरूम एरिया। नाउ वी कम टू द, उससे पहले हम बात कर लेते हैं इस स्पेस की। ये जो स्पेस देख रहे हैं आप, बहुत अच्छा डिज़ाइन पैटर्न बनाया गया है, मिरर वर्क है, टेक्सचर वर्क किया गया है, बहुत अच्छा तरीके से इसमें आपको काम मिल जाता है। ये आपका आता है सेकेंड बेडरूम एरिया अटैच वॉशरूम के साथ। बालकनी स्पेस कवर कर लिया गया है, वॉल डिज़ाइनिंग मिलती है इसमें आपको, इस तरीके का सनमाइका का काम मिलता है। कवर्ड स्पेस में बहुत खूबसूरत लग रहा है, डेप्थ बहुत अच्छी है, सेपरेशन बहुत अच्छा है, काम बहुत अच्छा मिल जाता है इसमें आपको। ऊपर भी स्पेस है, आप कुछ भी रख सकते हैं। साथ साथ में यहाँ पे मिलता है एक स्पेस जहाँ पे आप चाहें तो अपना स्टडी स्पेस बना सकते हैं, आप अपना ऑफिस डेस्क बना सकते हैं, किसी भी तरीके से इस पोर्शन का यूज़ कर सकते हैं। ये सोसाइटी के पीछे बैक जो मैंने बताया था वो पार्क स्पेस कुछ इस तरीके से आपको मिलता है। अब आते हैं इधर भी एक स्टोरेज स्पेस मिलता है आपको। अब आते हैं इसके वॉशरूम स्पेस पे जो कि इस तरीके का काम मिलता है। इसमें आप चाहें तो इसमें आप सेपरेट भी कर सकते हैं विद द ग्लास। इधर आपको सेपरेशन मिल जाते हैं, वेंटिलेशन मिल जाता है, शार एरिया, सिंक स्पेस एरिया, एंड डब्ल्यूसी मिलता है आपको। बड़ा स्पेस में बड़ा मिरर मिल जाता है, चिमनी स्पेस वगैरह का सारा फिटिंग इसमें आपको मिल जाता है। मतलब मोटा मोटा आपको सारा काम इसमें आपको मिल जाता है। अब आते हैं लास्ट बेडरूम एरिया की तरफ जो कि आपको कुछ इस तरीके का मिलने वाला है। लास्ट बेडरूम एरिया हो जाता है, इधर आप अपना सेटिंग स्पेस बना सकते हैं दोस्तों। इधर आपका वॉल डिज़ाइनिंग का काम है, ऊपर फॉल सीलिंग का काम मिलता है, नीचे वर्टिकल टाइलिंग का काम मिलता है। यहाँ पर बहुत खूबसूरत सा काम है कवर्ड स्पेस का जो कि आपको कुछ इस तरीके से मिलने वाला है। अच्छा काम मिलता है दोस्तों,
यहाँ पे मिलता है अटैच वॉशरूम एरिया, जो कि कुछ इस तरीके का काम में होता है। ड्यूल टोन टाइलिंग का काम मिल जाता है यहाँ पे आपको। शार एरिया, सिंक स्पेस, डब्ल्यू सी, मिरर स्पेस, सारा जगह फिटिंग बहुत अच्छा कलर कंट्रास्ट में काम किया गया है। तो ये हो जाता है आपका 3 बेडरूम का फ्लैट, जो कि संसद विहार अपार्टमेंट में है, सेक्टर 3 का लोकेशन है दोस्तों। 2 करोड़ 11 लाख रुपए का डिमांड है, जो कि नेगोशिएबल है। आप ये पसंद कीजिए, बहुत अच्छी डील देने की इसमें पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।